हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित भारद्वाज। न्यू एज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल आपसे लाइव बात करके बहुत मज़ा आया। आप लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे, मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस का आंसर दी। बहुत ही मज़ा आया दोस्तों आपसे बात कर कर। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जितना आज मुझे गलत होके खुशी हो रही है ना, कि थैंक गॉड मैं गलत प्रूव हो गया और इंडिया अब फाइनल्स में पहुंच गई है। फाइनल्स में पहुंच के अब इंडिया जो है वो साउथ अफ्रीका से खेलेगी। भैया, इतना गलत है होके ना मुझे कभी भी खुशी नहीं हुई इतनी, कि मैं कभी गलत हूं और फिर भी मुझे इतनी खुशी हो रही हो। लिटरली दोस्तों, मुझे इतनी खुशी कभी भी नहीं हुई अपने गलत होने पे। तो दोस्तों, वैसे तो मैं अपॉलॉजी भी करना चाहता हूँ, लेकिन अपॉलॉजी सेक्शन जो है मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख दूंगा। तकरीबन 7वें 8वें मिनट के करीब जो है मेरी अपॉलॉजी आएगी। तो अब जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरी अपोलॉजी देखनी है, जिन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करना है, वो सीधा उस पर जाकर, उस चैप्टर पर जाकर जो है डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं मेरी अपोलॉजी। अदरवाइज नहीं तो जितने भी मेरे फैंस हैं जो मुझे सुनना पसंद करते हैं, जिन्हें मेरी एजम्पशन, मेरी प्रडिक्शन एनालिसिस पसंद है, ये वीडियो दोस्तों अभी स्टार्टिंग में उनके लिए है। तो क्रिटिसिज्म करने वाले जितने भी लोग हैं दोस्तों, बुरा भला कहने वाले जितने भी दोस्त हैं, वो डिस्क्रिप्शन में चैप्टर मैंने वाइज मैंने दिया हुआ है। वो आप जाकर मेरी जो अपॉलॉजी है वो बाद में सुन सकते हैं। आप चाहें तो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, पर मेरे फैंस जितने भी हैं जो मुझे सुनना चाहते हैं, वो इस वीडियो पर अभी भी बने रह सकते हैं, पूरी वीडियो वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, कल बहुत ही मज़ा आया आप लोगों के साथ लाइव बात करके। जैसा कि मैंने कहा, ढेर सारे क्वेश्चनों के जवाब दिए मैंने, आपने बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट किया, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे आपने, मज़ा आ गया। कल का मैच देखकर भी मज़ा आ गया दोस्तों। आप में से कई सारे ऐसे हमारे जो फैंस हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो ऐसे थे जो कि बार बार कह रहे थे कि पिच बहुत अच्छी है सर, पिच स्पिन लेगी स्पिन लेगी, बट मैं नहीं मान रहा था। तो आई एम अगेन सॉरी फॉर दैट उन सब सपोर्टर्स के लिए भी। बहरहाल दोस्तों, बात करते हैं कल के मैच की। क्या शानदार मैच रहा यार। विराट कोहली तो एज यूजुअल जल्दी ही आउट हो गए, लेकिन रोहित शर्मा ने फिर से समा बांधा। उन्होंने फिर से जो है अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। सूर्य कुमार यादव, क्योंकि ये एक तरह से बैटिंग पिच ही थी जो थोड़ी थोड़ी स्पिन ले रही थी, तो उन्होंने भी जो है अपना अच्छे हाथ दिखाए और 47 रन्स बनाए। हार्दिक पांडे ने भी बाद में आके तकरीबन 23 रन की पारी खेली। रविंद्र जडेजा ने भी अपने थोड़े से हाथ दिखाए, तकरीबन 16-17 रन के करीब उन्होंने मारे। एक मिनट दोस्तों, हाँ 57 रन रोहित शर्मा ने मारे। ऋषभ पंत कुछ खास कर नहीं पाए। मैंने हालांकि प्रेडिक्ट किया था कि ऋषभ पंत जो है अच्छा खेलेंगे। सूर्य कुमार यादव ने 47 रन मारे, हार्दिक पांड्या ने 23 रन मारे, रविंद्र जडेजा जो है वो 17 रन मारे उन्होंने, और वो नेट आउट रहे। 9 बॉलों में 17 रन मारे दोस्तों। गौर करने वाली बात यह है, आज वो बैटिंग के थोड़े से फॉर्म में लगे, तो ये अच्छी बात है इंडिया के फाइनल्स के लिए कि अब रविंद्र जडेजा भी जो है कुछ कुछ फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं। शिवम दुबे दोस्तों पहली बॉल पे आउट हो गए थे, वो हम सबको पता ही है। अक्षर पटेल भी जो है वो उन्होंने 6 बॉलों में 10 रन मारे। टोटल टोटल मिला के इंडिया ने 171 का स्कोर किया था, जो कि मैंने लाइव चैट के दौरान ही बोला था कि अगर इंडिया 170 स्कोर कर जाती है तो वो सेफ स्कोर होगा, इंडिया मैच आराम से जीत जाएगी। पर यार इतने आराम से जीतेगी ये मुझे यकीन नहीं था यार। अपने भुवन ने ना पूरा लगान वसूल लिया इंग्लैंड वालों से। 2022 से लेके अभी तक का जितना भी लगान पेंडिंग था, 2022 से मतलब जो सेमीफाइनल में इंडिया को हराया था इंग्लैंड ने, वो लिटरली पूरा का पूरा बदला ले लिया। 2022 के सेमीफाइनल में इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 168 रन मारे थे और इंग्लैंड ने 170 रन ठोक दिए थे। लगभग 17वें ओवर में ही वो चेज कर लिया था, वो भी 10 विकेटों से हराया था इंडिया को। दो बहुत बड़ी शर्मनाक हारें हुई हैं इंडिया की T20I में। एक ये वाली थी सेमीफाइनल 2022 की, और एक वो थी जो अपना पाकिस्तान ने 152 नेट आउट बनाए थे। खैर, आज हम लोग वो बातें नहीं करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे जीत की। भैया, जीत की शुरुआत तो जो है ना मेरे हिसाब से रखी अक्षर पटेल ने, जब उन्होंने बॉलिंग के लिए आए। वो अपने पहले ओवर में उन्होंने जो है वो बटलर को आउट किया पहली गेंद पर, दूसरे ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने बेयरस्टो को आउट किया, तीसरे ओवर की भी पहली गेंद पर उन्होंने मोइन अली को स्टंप आउट करवाया, चौथे ओवर में वो खुद तो विकेट लेते लेते रह गए, लेकिन एक रन आउट जरूर करवा दिया उन्होंने। भाई साहब, मतलब गजब की बॉलिंग, गजब की। अक्षर पटेल वॉज माई मैन ऑफ द मैच फॉर यस्टरडेज मैच। कोई नहीं चल पाया दोस्तों, इंग्लैंड की तरफ से कोई नहीं चल पाया।
फिल सॉल्ट 5 बॉल 8 रन, खैर वो है ही ऐसे, चले तो चांद तक, नहीं चले तो रात तक भी नहीं, मतलब 10 बॉलों तक भी नहीं, 8 बॉलों में मात्र 5 रन मारे और आउट हो गए। जोस बटलर थोड़ा बहुत शुरू में ऐसा लग रहा था कि भैया ये कहीं ऐसा फिर से दोबारा ना इंडिया की ऐसी कर दें, बट 23 रन के जो है निजी स्कोर पर 15 बॉलों में अक्षर पटेल का, जैसे कि मैंने कहा पहले ही ओवर में वो शिकार हो गए पहली बॉल पे। मोइन अली भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, 8 ही रन बना पाए। जॉनी बेयरस्टो तो भाई साहब डक पे आउट हुए, 0 बनाकर आउट हुए, 3 बॉलें मुश्किल से उन्होंने खेली थी। हैरी ब्रुक्स लग रहा था दोस्तों, जब हैरी ब्रुक्स एक टाइम पे खेल रहे थे ना, हैरी ब्रुक्स और लेम लिविंगस्टोन जब खेल रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि भैया हो सकता है ये आखिरी तक मैच को खींच कर ले जाएं, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी रही दोस्तों। कुलदीप यादव ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है, उन्होंने हैरी ब्रुक्स को जो है वो आउट किया। उसके बाद सैम करन को भी बहुत जल्दी चलता किया कुलदीप यादव ने, और जैसे कि मैंने कहा कि वो रनआउट हुआ था चौथे ओवर में, तो वो रनआउट भी जो है दोस्तों वो आई थिंक हाँ लेम लिविंगस्टोन का ही रनआउट था वो, उन्होंने 11 रन बनाए थे सिर्फ 16 गेंदों में। जोफर आर्चर ने बाद में आके थोड़ी बहुत आतिशबाजी करी, वरना तो इंग्लैंड को 100 का स्कोर भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने 21 रन मारे 15 बॉलों में। विकेट देखते हैं दोस्तों कैसे कैसे गिरी, इंग्लैंड की 26 रन पर पहली विकेट गिरी थी, उस वक्त तो लग रहा था भैया 26 में से 23 रन तो खाली जो है उसी ने मारे हैं अपने जोस बटलर ने, तो लग रहा था कि भैया कहीं ये मैच ना निकाल के ले जाएं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। सेकंड विकेट गिरी 34 रन पर, तीसरी 35 रन पर, क्योंकि वो वही तभी वो ओवर चल रहे थे जब अक्षर पटेल बॉलिंग कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों मोइन अली की चौथे ओवर में चौथी विकेट गिरी 46वें रन पे, पांचवी विकेट गिरी 49 रन पे, छठी विकेट गिरी 68 रन पे, सातवीं विकेट 72 रन पे। उस वक्त ऐसा लग रहा था दोस्तों कि इंडिया कम से कम जो है 80-90 रन से जीतेगी, बट वही उसके बाद जो है जैसा कि मैंने कहा आपको कि जोफर आर्चर ने कुछ रन मार दिए। आठवीं विकेट गिरी 86 रन पर, नौवीं 88 रन पर, और उसके बाद 15 रन की पार्टनरशिप हुई थी लास्ट विकेट की रेस टॉपली और जोफर आर्चर की, और फाइनली 16.4 ओवर्स में इंडिया ने ये मैच जीत लिया पूरा का पूरा। जैसे मैंने कहा कि लगान वसूल कर लिया है इंडिया ने इंग्लैंड वालों से, इंडिया अब फाइनल्स में है, साउथ अफ्रीका से खेलेगी। बहुत ही शानदार मैच होगा दोस्तों, वो भी बहुत ही प्यारा मैच होगा। अब दोस्तों क्योंकि कल के मैच की मैंने बात जो है वो, हाँ एक और कुलदीप यादव का मैं थोड़ी सी उनको प्रेस करना, कम प्रेस किया, मतलब उन्होंने सिर्फ 4 ओवर में 19 रन देके 3 विकेटें ली हैं दोस्तों। अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 23 रन देके 3 विकेटें ली हैं, और हार्दिक पांड्या देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि हार्दिक पांड्या जो हैं वो उनका एक ही वो बॉल है, शॉर्ट बॉल बॉल उछालो, शॉर्ट बॉल बॉल उछालो, बाउंसर के अलावा उनके पास कोई बॉल ही नहीं है। उन्होंने एक ओवर किया, अच्छा हुआ रोहित शर्मा ने कि एक ही ओवर दिया उनको, एक ओवर में उन्होंने 14 रन खाए। हर्षदीप की भी हालांकि एक ओवर पिटा था, पहला ओवर ठीक था, दूसरा ओवर उनका पिटा था, बट फिर भी उनकी बॉलिंग ठीक ठाक थी, 2 ओवर में 17 रन। और जसप्रीत बुमराह एज यूजल हमारे बॉलिंग स्टार, 2.4 ओवर्स में उन्होंने 12 रन खाए, लेकिन 2 विकेटें भी ली, बहुत महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट विकेटें थी वो भी दोस्तों। क्लिनिकल परफॉर्मेंस था इंडिया की तरफ से, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस था, मजा आ गया दोस्तों। खुद को गलत प्रूव होता हुआ देख के, टीम इंडिया को इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए देख के मजा आ गया दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा मुझे गलत प्रूव होते हुए। चलिए अब बात करते हैं मेरी अपॉलोजी की। देखिए भैया ऐसा है कि मैं बिल्कुल तहे दिल से जो है सबसे माफी मांगता हूँ, जिन लोगों के भी मेरी बात सुनकर फीलिंग्स हर्ट हुई हो, जो कि मैंने कहा था कि इंडिया फाइनल में नहीं जा पा रही है, इंग्लैंड जो है वो मैच जीतने जा रही है। कई लोगों ने कहा कि दोगले हो, अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करते हो। भैया आई एम रियली सॉरी अगर आपको मेरी बातें सुन के बुरी लगी, लेकिन भैया एक बात बताइए ना, क्रिटिसिज्म किसका नहीं होता, आप क्रिटिसाइज करिए मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी जब क्रिटिसाइज करता हूँ ना टीम इंडिया को, तो मैं साथ में ये भी बताता हूँ कि क्यों वो गलती करने जा रहे हैं या क्यों गलती हो सकती है। भैया एनालिसिस करने का मेरा काम है, मैं एनालिसिस करके बता सकता हूँ आपको कि ये गलती आप कर सकते हो, करते हो या नहीं करते हो ये आपके ऊपर है, बट क्योंकि टीम कम्बिनेशन सही नहीं था, जीत गए हम लोग, कुछ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हमारे बहुत अच्छे थे, इस वजह से जो है हम लोग जीते।
लेकिन मैं अभी भी स्टिक करूंगा दोस्तों कि टीम जो है कुछ हद तक चेंज होनी चाहिए। हालांकि वो उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। जहां तक मेरी अपोलॉजी की बात है, मैं आप सब लोगों से कह ही चुका हूं कि मैं तहे दिल से जो है माफी मांगता हूं। इसलिए नहीं कि मेरी प्रिडिक्शन या मेरी अजम्पशन गलत हुई, बल्कि इसलिए क्योंकि आप लोगों को दुख हुआ मेरी ये सब बातें सुनकर। बट मैं हमेशा दोस्तों एनालिसिस करता रहूंगा क्रिकेट का, और जैसा मुझे लगेगा, जो मुझे फील होगा, मैं आप लोगों के सामने वो चीज़ लेके आता रहूंगा। अरे भैया मुझे एक बात बताओ, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को भी जब लोग क्रिटिसाइज से जो है वो ये लोग नहीं बच पाए क्रिटिसाइज होने से, फिल्म एक्टर नहीं बच पाते क्रिटिसाइज होने से। दो दो तीन ही तो रिलीजन है इंडिया में, एक बॉलीवुड है, एक क्रिकेट है, इन्हीं को लोग सबसे ज़्यादा सीरियसली देखते हैं। जब ये लोग क्रिटिसाइज होने से नहीं बच पाए, तो मेरे को अगर क्रिटिसाइज कर रहे हो तो मुझे तो एक तरह से वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है कि भैया अब मैंने कुछ ना कुछ तो वो मुकाम हासिल कर लिया है कि लोग मुझे अब क्रिटिसाइज भी करने लगे हैं। इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां उससे होती रहती हैं। उसके लिए मतलब सभ्य इंसान वही है जो अपनी गलतियों की माफी मांगे और आगे बढ़ता चले। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी यही इतनी माफ़ी आप लोगों के लिए काफ़ी होगी। जितने मेरे दूसरे सपोर्टर्स हैं, जो फैंस हैं मेरे, जो मुझे रेगुलर सुनना चाहते हैं, उनसे भी मैं एक बार माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि भैया गलत तो मैं प्रूफ हुआ ही हुआ हूँ, पर आप लोगों का साथ देने के लिए, जो आप लोग मेरा साथ देते हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। मैं वीडियो आगे भी बनाकर लेकर आता रहूँगा। जीते हारे, वीडियो सही हो गलत हो, देखिए वीडियो बनाना मेरा जो है वो ये मकसद नहीं है कि मेरे को इंडिया को प्रूफ गलत करना है, इंडिया टीम को गलत प्रूफ करना है, या खुद को सही प्रूफ करना है। मेरा मकसद है आप लोगों से बातचीत करने का। मेरे पास जो क्रिकेट का ज्ञान है, जो थोड़ा बहुत एनालिसिस का ज्ञान है, वो आप सब लोगों तक शेयर करने का। तो वो मैं दोस्तों कंटिन्यू करूंगा। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, वो आपके संयम के ऊपर है। तो मेरे सभी फैंस जितने हैं दोस्तों, जो मुझे सुनना चाहते हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके कुछ भी लिख सकते हैं। भैया आपका चैनल है, जो मर्जी लिखिए, बस हाँ थोड़ा सा मर्यादित उसमें ज़रूर रहिएगा। और साथ में चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी लोगों का दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता मत करिए, फाइनल के वीडियो का भी जो एनालिसिस है, प्रिडिक्शन है, वो भी लेकर आऊँगा जल्दी ही। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप सभी लोगों का ढेरों ढेरों धन्यवाद।